जेजेपी को मैं चुनौती देता हूँ, एक सीट भी नहीं जीतेगी। जेजेपी पार्टी ने इतना बड़ा विश्वासघात हरियाणा के लोगों के साथ किया है कि आज हरियाणा में एक भी सीट जेजेपी पार्टी नहीं जीतेगी। कितना जोर लगा है। अच्छा, चर्चाएं भी हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम के लिए कई जगह चर्चा प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के रूप में। ऐसा है कि मेरा मकसद कभी भी कोई पद लेना नहीं रहा है, ना ही कोई जो है पद के लिए मैंने कभी कहीं कोई प्रयास किए हैं। जहाँ जो जिम्मेदारी जनता ने मेरे को दी है वो मैंने हमेशा निभाई है, और मेरा केवल एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, हरियाणा में पद मकसद नहीं है, परिवर्तन मकसद है। हरियाणा में परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा जजपा की ये जो निकम्मी सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार, इससे पीछा छूटे हरियाणा का। हरियाणा विकास, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे जाए, ये परिवर्तन आए। ये परिवर्तन लक्ष्य है, पद कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन जिस तरह से और जो है हरियाणा में जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हम लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जहाँ तक बात, देखिए, ये हम चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे। हम नहीं चाहते गठबंधन टूटे, हम भी चाहेंगे गठबंधन टूटे। इन दोनों का एक साथ इलाज करेगी जनता, तो ये जो है अपना इनका कुछ बचा नहीं। गठबंधन तो ये पहले दिन से गठबंधन, तो एक तो ये तो एक ठगबंधन के रूप में गठबंधन है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5100 पेंशन पे, बुढ़ापा पेंशन पे समझौता है, 51 पेंशन आई नहीं, ठग गए लोगों को। ये तो केवल भ्रष्टाचार की छूट पे समझौता था, हरियाणा को लूटने पे समझौता था, और उसके बाद अब जो ये ठगबंधन था वो लठबंधन में परिवर्तित हो गया। लठ बज रहे हैं आपस में, उचाना से कौन लड़ेगा, नारनौन से कौन लड़ेगा। कई दोनों पार्टियों के कई लीडर हर रोज गठबंधन तोड़ के सोते हैं, सुबह उठ के गठबंधन बन जाता है। तो ये तो लठबंधन, ठगबंधन और लठबंधन की ये सरकार है, तो ये जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। प्रदेश को लूटने में लगे हुए डबल इंजन के माध्यम से सरकार की परफॉर्मेंस से लोग इतने निराश हैं कि ये साथ रहें या अलग रहें कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लोग साथ रहें तो दोनों का एक साथ लोग वोट की चोट से जवाब देंगे, अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग लोगों का हिसाब किताब करने का काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को और हरियाणा की जनता को लिहाजा कोई, हरियाणा की जनता ने तो मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में, हुड्डा साहब के नेतृत्व के पक्ष में हरियाणा की जनता का मन बन चुका है। ये नाकारा और भ्रष्ट सरकार साबित हुई हरियाणा के लिए, और इसको वोट की चोट से लोग इस सरकार से छुटकारा हरियाणा को दिलवाएंगे।